हेलो एंड वेलकम टू डीटीज वेंचर। मेरा नाम धवल ठक्कर। आज हम बात करेंगे मंथली व्यू के बारे में, जहां पर हम नवंबर मंथ के अंदर निफ्टी का क्या व्यू होगा और मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगा। अगर आप सबको पता हो तो लास्ट मंथ के अंदर मैंने जो मंथली अक्टूबर मंथली रिव्यू जो मैंने अपडेट किया था निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के अंदर, वहां पर मैंने स्ट्रिक्टली कहा था कि 18,400 and 500 विल बी ए प्रॉफिट बुकिंग जोन एंड यू कैन एक्सपेक्ट 500 to 700 पॉइंट्स ऑफ प्रॉफिट बुकिंग इन निफ्टी इन मार्केट। तो आपने देखा होगा कि मतलब दो तीन दिन पहले जो पैनिक लो बनाया था, दैट इज ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स निफ्टी का एक फॉल हमने देखने मिला है फ्रॉम द 18,500 लेवल्स टू दिस 17,500 and 600 लेवल्स। तो ये आई वुड से दिस इज प्रॉफिट बुकिंग, दिस इज नॉट करेक्शन। ये मैं ये नहीं कहूंगा कि ये मंदी है, मंदी नहीं है, ये प्रॉफिट बुकिंग है जो हमने एक्सपेक्ट किया था लास्ट मंथ के अंदर। अब ये मंथ के अंदर हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको छोटी सी ब्रीफिंग देता हूं FIS डेटा के ऊपर। FIS डेटा आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट एज यू नो दैट, बट राइट नाउ हम लोग इग्नोर कर रहे हैं FIS डेटा, क्योंकि रोज रोज ऊपर 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 जा रहा है तो हमें लगता है हाँ तेजी है। लेकिन नो, वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट FIS डेटा एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं आपको बताने जाऊं तो वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट मार्केट लेवल एंड द रीजन ऑलवेज आई से ए ग्रुप, क्योंकि अगर लास्ट फॉल अगर आप देखने जाओगे तो काफी मिड कैप स्मॉल कैप ऐसे हैमर हुए हैं, ऐसे स्टॉक के भाव नीचे आए हुए हैं, एज इफ आप मानोगे निफ्टी का भाव अभी है ना कम से कम 12,000 का चल रहा होगा, वैसे उनके स्टॉक्स के रेट आ गए। सो अगेन आई वुड से यूज क्वालिटी, यूज ए ग्रुप के स्टॉक्स, और उसके अंदर अगर आप अगर काम करना चाहते हो तो वो भी छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कीजिएगा, क्योंकि अभी भी मैं कहीं ना कहीं करेक्शन देख रहा हूं। लेकिन हाँ, फिलहाल के लिए लेट अस डिस्कस व्हाट नवंबर मंथ इज, क्योंकि FIS की डेटा की अगर मैं बात करूं तो जब से ये फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है, ये फाइनेंशियल ईयर जो अप्रैल से लेके मार्च तक का जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है वो जब से स्टार्ट हुआ है, FIS आर ऑन मंथ बेसिस दे आर ऑन सेलिंग मोड। एक ही मंथ का खाली फिगर उनका बाइंग का आया हुआ था, वो भी हल्का सा 900 करोड़ का, बाकी लास्ट मंथ भी अगर आप देखोगे तो दैट वाज़ ए हेवी सेलिंग ऑफ 25,000 करोड़ रुपीस फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2021। और ओवरऑल अगर मैं फाइनेंशियल ईयर अगर मैं पकड़ने जाऊं तो फ्रॉम अप्रैल से लेके अभी तक में अप्रैल टू अक्टूबर दे हैव सोल्ड अराउंड 70,000 करोड़ ऑन एवरी राइज ऑफ द मार्केट। सो डेफिनेटली अगर 70,000 करोड़ रुपीज उनका सेल हुआ और अभी भी उनका इस पे सेलिंग नहीं अगर जा रहा तो 20,000 के इंडेक्स में तो आके बाय करेंगे नहीं वापस। सो नाउ लेट अस जंप टू द नवंबर मंथ, दिवाली मंथ है, और दिवाली मंथ के अंदर अगर मैं देखने जाऊं तो नवंबर मंथ के अंदर निफ्टी अभी जो चल रही है दैट इज 17,780 के आसपास अभी निफ्टी चल रही है, एंड निफ्टी के अंदर एक रेजिस्टेंस मैं जो देख रहा हूं, आई वुड सजेस्ट दैट यू शुड टेक अ पेन एंड पेपर सो दैट यू कैन नोट डाउन ईच एंड एवरी लेवल्स, तो वो हिसाब से यू कैन क्रिएट एंड यू कैन बुक प्रॉफिट एज पर द लेवल्स इन योर पोर्टफोलियो। सो सबसे पहले निफ्टी का अगर मैं लेवल देखने जाऊं तो निफ्टी के अंदर 17,930, दिस इज गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल लेवल इन निफ्टी, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि यहां से 150-200 पॉइंट अपसाइड है वो शायद अचीव हो जाएगा आने वाले एक दो दिन के लिए 17,950। लेकिन अगर 17,930 और 50 के ऊपर डिसाइसिवली क्लोज आता है देन अगेन वी आर हेडिंग टूवर्ड्स 18,200 and 400। वाई आई एम कीपिंग दिस बिग बफर राइट नाउ, मैं हमेशा 40-50 पॉइंट के बफर रखता हूं, लेकिन वाई आई एम सेइंग दिस 18,200 and 400, बिकॉज माई सजेशन विल बी वेन यू सी दिस लेवल अगेन स्टार्ट प्रॉफिट बुकिंग एंड स्टार्ट एंटर इन टू क्वालिटी, क्योंकि हो सकता है कि वापस एक बार हमें सेल ऑफ देखने मिले, और सेल ऑफ हमें इसलिए शायद देखने मिले क्योंकि डॉलर अगर 74.70 के ऊपर कंटिन्यूस क्लोज आता गया तो अगेन वी विल सी ए सेल ऑफ एंड विच सेल ऑफ कैन टेक अप टू द लेवल्स ऑफ 16,800 and 900, 1000 पॉइंट का ये लेवल से भी मैं सेल ऑफ देख रहा हूं यहां पे। लेकिन फिलहाल के लिए मैं देख रहा हूं कि देर विल बी अपसेट, देर विल बी ए पुल बैक रैली, एंड पुल बैक रैली is going to take to 18,200 and 400। Bank Nifty की अगर मैं बात करूं तो Bank Nifty 39,400 पे चल रहा है, which is very important level। और ये level अगर decisively close होता है दो दिन यहां पे,
तो आप बैंक निफ्टी के अंदर अच्छा खासा पुल बैक देखने मिलेगा एंड दैट कुड बी अराउंड मोर देन 1500 पॉइंट्स ऑन अपसाइड। ऑटोस की अगर मैं बात करूं तो ऑटोस के अंदर मैं देख रहा हूं कि 11300 के आसपास ऑटो चल रहा है और 11000 का अच्छा सपोर्ट है ऑटो इंडेक्स के अंदर। और ऑटो इंडेक्स अगर 11000 का सपोर्ट दे रहा है तो ठीक है, यू कैन गो लॉन्ग इन ऑटो बट ऑन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। अब मेन सेक्टर की बात मैं करूंगा, फार्मा। फार्मा एक ऐसा सेक्टर है यहां पर जो यहां पर अगर मैं देखने जाऊं तो फार्मा इंडेक्स 13980 के आसपास में अभी चल रहा है और 13800 का उसका सपोर्ट है, मतलब हार्डली 100-150-200 पॉइंट का सपोर्ट है उसका। लेकिन अगर ये सपोर्ट होल्ड कर लेता है तो फार्मा इज राइट नाउ एन ओवरसोल्ड सेक्टर, और अगर मार्केट गिर भी रहा है तो फार्मा इज ऑल्सो कंसिडर एज ए कंजर्वेटिव सेक्टर जहां पर आप बाइंग कर सकते हो। मैं उसके बारे में बताऊंगा कि आपको SIP कहां पर करनी है, कौन से स्टॉक में करनी है फार्मा के अंदर। तो फार्मा जब तक 13,750 के नीचे का क्लोज नहीं आता है, यू कैन गो लॉन्ग इन फार्मा। अभी और एक सेक्टर है यहां पर मेटल्स। मेटल्स आज थोड़ा आउट परफॉर्म मैंने करते हुए देखा और मैं एक्सपेक्ट करूंगा थोड़ा और आउट परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि चाइना के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग डेटा आ रहा है, जो मेटल्स के रिलेटेड जो डेटा आ रहा है वो काफी खराब आ रहा है, और चाइना के बाद में अगर मेटल्स के अंदर और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर किसी का नंबर आता है तो दैट इज अस इंडिया, प्राउड टू बी। तो यहां पर इंडिया को अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसकी वजह से मेटल्स के रेट ऊपर चलेंगे। 5700 का इंडेक्स अभी मेटल का है और 5550 का उसका सपोर्ट है, अगेन सिर्फ 150 पॉइंट का डाउनसाइड का सपोर्ट है, और 5800 है, बड़ी छोटी सी रेंज है, 5550 और 5800 ये छोटी सी रेंज है सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। लेकिन अगर 5800 के ऊपर अगर बंद आ जाता है इट इज गोइंग टू बी रोबस्ट इन दिस मेटल सेक्टर, और ये मेटल सेक्टर आपको स्पेशली व्हेन यू सी द टाटा स्टील आई कैन सी इट इज गोइंग अप टू द लेवल ऑफ 1500 प्लस। एंड अगेन अ सेक्टर इज आईटी। आईटी अभी चल रहा है 34900 का इंडेक्स चल रहा है, बहुत बड़ा गैप है ऊपर नीचे का आईटी के अंदर, लेकिन 34800 का अगर सपोर्ट लेवल आईटी अगर होल्ड कर रहा है और वहां से अगर उसके नीचे क्लोज नहीं आ रहा है देन देयर इज गोइंग टू बी अ शार्प रैली इन आईटी। एटलीस्ट कम से कम 700-800 पॉइंट की रैली आपको देखने मिलेगी आईटी के अंदर। सो दिस इज द इंडेक्स लेवल जो मैंने आपको बता रहा हूं। अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना चाहिए मार्केट के अंदर। आई वुड यूज द वर्ड कॉशियस। छोटे छोटे प्रॉफिट्स मिल रहे हैं लेके निकलो, पोजीशन नहीं बनाएंगे या कम बनाएंगे चलेगा, जो है उसको होल्ड करके रखो, लेकिन स्मॉल कैप मिड कैप से दूर रहो। बिकॉज अगेन आई एम टेलिंग 18,200 और 18,400 के बीच में हम देख सकते हैं निफ्टी को, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि वहां से आप अगेन अपसाइड की तरफ देखोगे, बिकॉज दिस इज नवंबर मंथ और फेड की जो टेम्परेचर जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, और इस बार फेड भले बोल के कर रहे हैं लेकिन इसलिए ये और एक रीजन है जिसकी वजह से हम सेल ऑफ देख रहे हैं मार्केट के अंदर। तो अगर 18,200 और 18,400 आता है, कीप बुकिंग प्रॉफिट्स एंड एंटर ओनली इन कंजर्वेटिव काउंटर्स लाइक आईटी एंड फार्मा एंड ऑल, क्योंकि बाकी सारे काउंटर्स में हमें सेल ऑफ देखने मिल सकता है। आई विल से मैं और एक वीडियो अपलोड करूंगा जहां पर मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के डेटा के ऊपर फोकस करूंगा, हमें क्या करना चाहिए, कौन से लेवल पे करना चाहिए, what will be the worst bottom for 2023 also and what will be the best top for 2023 hum uske upar workout karenge। lekin abhi main seedha chalta hu stocks ke upar ki kaun se stocks ke andar hame focus karna chahiye ya sip karni chahiye for the month of november, jahan par hame at least 10-15% ka 10-15% hame returns dekhne milega। तो फर्स्ट स्टॉक इज ऑफ बैंकिंग सेक्टर, दैट इज एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक के अंदर मैंने इन्वेस्टमेंट कॉल भी दिया हुआ है। एक्सिस बैंक के अंदर आप बाय कर सकते हो, 734 का एक अच्छा खासा वर्स्ट बॉटम है, एक गुड सपोर्ट है, और जब ये लेवल के आसपास आएगा ऑब्वियसली यू विल सी मीडिया शाउटिंग दैट सेल एक्सिस बैंक, ये 680 का टारगेट। लेकिन माई अजम्पशन इज 745, 750 and 730 should be an and I am expecting Axis Bank touch the target of 840 plus and that can be within a couple of months I would say before December ending। so वहां पर आप एक buy करके चल सकते हैं, 15% के आसपास का आपको अच्छा खासा return मिल सकता है। second thing
I would say Lupin. Lupin, again I will say Lupin. Last month bhi maine Lupin kaha tha. Agar aap parso ka fall dekhoge, 200 points downside fall ke andar Lupin 500 rupaya plus tha. Lupin right now is trading around 940. Aur bahut hi squeezed ho gaye uske shorts wahan par. Matlab 940 aur 960 ka ek level hai jahan par uske shorts develop hote hi ja rahe hain continuous basis pe. So ye month ka uska level hai yahan par 978 to 985. 978.85 के आसपास में लुपिन आके रुकेगा और वहां पर अगर उसने वो बैरियर क्रॉस कर दिया सो नेक्स्ट बैरियर विल बी 2020 सुनने में बहुत नजदीक लगता है लेकिन ये दो बैरियर के बीच में से अगर लुपिन क्रॉस करता है क्योंकि जितनी भी नेगेटिव न्यूज है वो यहां पर डिस्काउंट हो जाएगी. राकेश झुंझुनवाला ने स्टेक खाली कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ठीक है ना. राकेश झुंझुनवाला ने स्टेक खाली किया, कंपनी थोड़ी बंद हो गई है. तो यहां पर अगर 1020 के ऊपर अगर यहां पर अगर लुपिन का क्लोज हमें देखने मिलता है या 980 के ऊपर का भी अगर हमें क्लोज मिलता है तो इमीडिएटली इट इज गोइंग टू शूट अप टू द लेवल ऑफ 1200 बिफोर मार्च 2022 द क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर. रिमेंबर दिस लेवल. सो इफ यू वांट टू डू एन एसआईपी यू कैन डू एन एसआईपी इन लुपिन एट द रेट ऑफ 950 टू 920. होल्ड द स्टॉक फॉर द टारगेट ऑफ 1200 टिल मार्च फाइनेंशियल ईयर. और एक स्टॉक बहुत ही अच्छा मेरे रडार पे आया हुआ है, दैट इज आईटी काउंटर टीसीएस. टीसीएस ऑलमोस्ट 4000 तक गया था एंड इफ यू रिमेंबर मेरे एक वीडियो के अंदर मैंने कहा भी था कि आईटी सेक्टर के अंदर कम से कम मैं 10-15% का डाउनसाइड देख रहा हूं और अगर आप इंफोसिस टीसीएस के टॉप से अगर देखोगे तो उन्होंने एक अच्छा खासा 10-15% के ऊपर का डाउनसाइड दिया हुआ है और टीसीएस का करेक्शन अगर मैं देखने जाऊं तो ऑलमोस्ट 20% का करेक्शन आ गया है. अब 3400 लेवल इट इज ए गोल्डन लेवल राइट नाउ. यहां पर आप अगर एक सपोर्ट लेवल के आसपास में 34, 34.50, 34.30 यहां पर अगर आप एसआईपी बना के लुपिन को अगर ऐड करके रख सकते हो तो आने वाले 2-3 महीने के अंदर आई वुड से यू कैन सी लुपिन अप टू द लेवल ऑफ अगेन इट इज गोइंग टू टच द लेवल ऑफ 4000. यू कैन गेट रिटर्न्स ऑफ मोर देन 20%. सो ये तीन स्टॉक है, एक्सिस है, लुपिन है और टीसीएस है. ये स्टॉक आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करके चलिए और इसको अपने पोर्टफोलियो में बना के चलिए, डेफिनेटली इसके अंदर आपको बहुत अच्छा रिटर्न देखने मिलेगा. सो दिस वाज नवंबर मंथ व्यू मार्केट के अंदर. अगेन आई वुड से इन अ वेरी शॉर्ट सेंटेंस, ए ग्रुप के अंदर ही पोजीशन बनाइए. अगर आपके पास में 1,00,000 रुपए है तो सिर्फ 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट दीजिए, 4-5% का प्रॉफिट आ रहा है, बुक करके बाहर निकल दिए. अभी मार्केट ट्रस्ट करने जैसा नहीं है. एनी टाइम अगर 50% रिटेस्टमेंट भी अगर मार्केट का अगर यहां से देखने मिला ड्यू टू एनी फैक्टर्स, लेट इट बी चाइना और ताइवान, लेट इट बी अफगानिस्तान, लेट इट बी क्रूड ऑयल प्राइसेस, लेट इट बी पेट्रोल डीजल, लेट इट बी इन्फ्लेशन ऑफ यूएस, फेड टेम्परिंग, बहुत सारे फैक्टर्स है. ये सारी चीजों के अंदर अगर हमें देखने मिलेगा 50% रिट्रेसमेंट लेवल तो इट कैन बी 15,800 और 16,000 लेवल्स. बट यस अगेन आई वुड से वी आर नॉट इनटू बेयर मार्केट, वी आर इनटू प्रॉफिट बुकिंग मार्केट. सो गो थ्रू द लेवल्स, ये लेवल्स के हिसाब से काम कीजिए, स्टॉक स्पेसिफिक के हिसाब से काम कीजिए, बाकी तो मैं आपको अपडेट करते रहूंगा कॉल्स के साथ. थैंक यू वेरी मच.